नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। दिल्ली के सीएम केजरीवाल काफी समय से जेल में हैं। वहीं उनकी पार्टी आप हमेशा से आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल को जेल में डालने का मतलब है कि साफ तौर पर ईडी जैसी संस्था बीजेपी के इशारों पर चल रही है। लेकिन अभी ईडी ने ऐसे सबूत जनता के सामने रख दिए हैं जिससे काफी बड़ा खुलासा हो सकता है। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सबूत पेश किए। पूरे हवाला नेटवर्क की जानकारी कोर्ट को दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट के माध्यम से सबूत पेश किए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने कोर्ट के सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जिसे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हवाला नेटवर्क के माध्यम से कैश ट्रांसफर के टोकन की कॉपी से जुड़े सबूत दिए गए हैं। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं जो कि इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। एक रुपए के नोट पर उसके नंबर के माध्यम से हवाला का कैश गोवा पहुंचाया गया। ईडी का कहना है कि स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में किया जाना था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे दो बैग अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित पैसा जो कि साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत दिया गया आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है जिसमें हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। अब इस मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कविता सहित कई अन्य आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में निचली अदालत से बेल मिल चुकी है हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई भी दिल्ली सीएम को अरेस्ट कर चुकी है। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति के माध्यम से दक्षिण भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया। 100 करोड़ के फायदे के बदले में इन व्यापारियों ने पार्टी को गोवा चुनाव 2022 में 45 करोड़ रुपए की मदद की थी। देखा जाए तो केंद्र सरकार पर काफी समय से ये आरोप लग रहा है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को परेशान करें, लेकिन ईडी के सबूत बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसे में भाजपा पर वार करने से पहले विपक्ष और आप पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इन सबूतों के खिलाफ कुछ दमदार पेश करना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।